हम जा रहे हैं अफरा तफरी में, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, भागे भागे सारे ही जा रहे हैं। आज वसीम साहब कुंडी लगा के आएंगे, इधर अम्मी भी आ गई हैं अफरा तफरी में। चलो जी जा रहे हैं सब आसमा के कमरे में, उधर एक एमरजेंसी हो गई है। चलो आप भी अंदर, वो देखें अली मुर्तजा भी आ गया। चलो चलो भाई चलो, एक एमरजेंसी हो गई है। इधर एसी, इधर आइसक्रीम की पार्टी होने लगी है। एसी चला देना। इधर अली दे रहा है सबको आइसक्रीम, पकड़ो पकड़ो। चले भी हाँ, आसमा कह रही थी आ जाओ जल्दी से, नदीम आइसक्रीम लेने गया है तो वो मेल्ट हो जाएगी, इसीलिए हम जल्दी से आ गए। आंधी अम्मी जरा बाहर गई। ये देखें सब खा रहे हैं आइसक्रीम, लीजा भी खा रही है, लीजा की पप्पा भी खा रही है, वो उधर वसीम भी खा रहे हैं, अली भी खा रहा है, आसमा भी है, नदीम भाई भी हैं, सब इधर कर रहे हैं। कौन सी पार्टी हो रही है? नदीम भाई की पार्टी हो रही है। चलो जी शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी, तो गाइस हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है ओवन अपना, रात को हमने निकाल लिया था इधर, हमने कहा चलो निकाल के इसको इस्तेमाल तो करें ना, तो अभी हमने रखा हुआ है सालन गरम करने के लिए और अभी हम करने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक होंगे, आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। बस सुबह का आगाज़ हो गया हमारा, बड़ी देर से हुआ, आज मेरी तबीयत सही नहीं थी तो लेट आ रही, बस सुबह से मेरी तबीयत नहीं सही थी, मेरे मैदे में दर्द हो रही थी, तो उस वजह से आज मैंने सुबह ब्लॉगिंग नहीं शुरू की, नाश्ते की रूटीन नहीं आपसे शेयर की। आज मैं अब उठी हूँ, हांडी पका रही हूँ, इधर मैंने मसाला रख दिया पकने के लिए, इधर मैं पका रही हूँ तोरियाँ और आलू मटर गाजर मिक्स, वो अम्मी खाती है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए, ये मैंने आलू मटर गाजर के लिए प्याज काटे हैं, तोरियों का मैंने रख दिया मसाला, प्याज रख दिया ब्राउन होने के लिए, गैस कम हो गई एकदम, तो इधर मैंने तोरियाँ काटी हैं। मैं गई थी कुछ और लेने, मुझे तोरियाँ नज़र आई तो मैंने फिर तोरियाँ ले ली। आ रही हैं अभी, ये तो मैंने आलू मटर गाजरें, गाजरें नहीं थी मेरे ताई कहाँ से ढूंढ के लाई। इधर भाभी बैठी हुई है, इसको आज ये भी लेट उठी है आज, मैं तो उठी थी नाश्ता बनाया था, बस मेरी तबीयत नहीं सही थी, दिल नहीं कर रहा था। हाँ आज फिर वसीम भाई जल्दी आ गए, हाँ मैं भी, बस मैंने कहा चलो मैं ना हल्की हल्की उठ के ना हांडी पकाती हूँ, बगैर सालन के गुजारा नहीं है, सानू थोड़ी किसी ने रोटी पका के दे देनी, आप उठ के पका ली है, अब तो सारा दिन यही होता है, यही होता है सारा दिन। हाँ हमें थोड़ी किसी ने पका के देनी, खुद ही उठ के पका के, वो खुश नसीब है जिनको पकी पकाई मिल जाती है, हमें कोई नहीं देता। हाँ दीपा में तबीयत खराब हो पा जो मर्जी हो, हमने उठ के काम करने हैं, तो हमें तो नहीं किसी ने चार पाई पे बैठे बैठे देना है। हाँ करते हैं जाहिर है, हम खुद करते हैं, किसी के मोहताज नहीं है हम, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि खुद अपने पैरों पे चल के काम करते हैं। चलो जी हांडी पकाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ मैं, तोरियाँ मुझे बड़ी पसंद है, ये अम्मी कह रही थी मैंने आलू मटर गाजर खानी है, सुबह से लगी हुई थी, तो खाली आलू गाजरें पका नहीं, आलू और मटर पका दो, मैं खाली आलू मटर का क्या, गाजरा लग के लिया मैं पका दी नहीं, फिर मिली तो फिर मैं कहा चलो पकाती हूँ। तो गाइस आज मैं बनाने लगी हूँ, आज हमने बनाना है कीमे वाले पुलाव, तो उसके लिए मैंने सारे मसाले रेडी कर लिए हैं और साथ साथ मैंने ना इधर चावल भी भिगो लिए हैं। यहाँ पर आसमा ने तो पकाए हैं आज काली तोरियाँ, लैदा बनाई हैं और बनाए हैं क्या उसको कहते हैं मटर आलू गाजर, और उसके लिए मैंने अपनी चीज़ों के लिए सारे मसाले भी यहाँ रेडी कर दिए हैं, प्याज है और यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्चें टमाटर साबुत गरम मसाला, ये मैंने यूँ ढक दिया यहाँ पे, अभी ना थोड़ी देर बाद पकाऊंगी मैं, तो अभी तो मैं जा रही हूँ बाहर, वसीम साहब बाहर बैठे हैं, मैं भी उनके पास बैठूँगी चल के, तो
देखते हैं वो क्या कर रहे हैं बाहर। चलते हैं, ऐथे देखो जरा, ऐथे सारे मजमा ला के बैठे ने, इधर बैठे हैं वसीम, वसीम साहब जा रहे हैं बाबे के पास दम कराने। वसीम भाई मेरी खबर ले आना। हाँ आसमा डेग भाई छत तो थले ओदी खबर ले आना आया। हाँ नदीम भाई ने तो सीढ़ी तो ही डेग पे, ओ छत तो डेग पे, ए जेडे एमी उन्होंने वेख के डेग पे, इधर अम्मी बैठ गए, अम्मे भी पता लैन आई है, बाजी भी पता लैन दे इन्हां दा। अच्छा अच्छा फिर तू नहीं बचेंगी इत्थे, तेरा कतल मैं करांगी, एदा भी कतल कर देना, आसवा दा भी कतल कर देना, जिन्हें मेरे बंदे दा दूजे व्याह दा नाम लिया। अम्मी कहंदी है जो कुछ होना इत्थे ही होना है। हां वेखे अम्मी मेरे नाल है, जेड़ा मेरे नाल नहीं है वो फारग है मेरी कापी च। अल्लाह ताला देन लगे ते 70 साल देन भी दे देंदा। हां ओ किसी और दी गल हो रही सी ना, ओ थे अम्मी फिर नदीम नु भी करना चाहिए ब्याह दूसरा, ओ ते कहंदा मैं करा दे। हां ओ ते राजी है, ओ ते कहंदा मेरे 10 करा दो, वसीला भी दे बैठे बैठे दे ना काके आ जाने। हां सही गल है, सही गल है। चलो जी यहाँ पे हमारा गर्मियों का काम स्टार्ट हो गया, ये देखें वसीम साहब लगा रहे हैं छत पे पानी, ये हम अक्सर सर्द गर्मियों में लगाते हैं फिर चारपाई बिछाते हैं, क्योंकि फिर ज़रा ये देखें ये कितना हरा भरा हो गया, ये भी भर रहा है। ये आप लोग ना कोई भी जो है मेरी वीडियो देख रहा है जिन्होंने पौधे रखे हैं हमें बताइएगा, इनके ना पत्ते ये इस तरह धूप की वजह से जल रहे हैं या कोई मसला है, अगर कोई देख रहा तो। काफ़ी थे वो मैंने तोड़ दिए, ये देखें सारे हरे हरे हो गए सारे ही टोटल। ये देखें हमारे इधर दिए जल रहे हैं, पंचतन के नाम के। हाँ जी उधर मैं पा के आई थी गाइस, हम यहाँ पे बनाने लगे हैं चावल कीमे वाले, तो प्याज चले गए इसमें, ब्राउन होएंगे तो फिर इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। चलो जी ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे ये इसमें डालूँगी, प्याज देखें ब्राउन हो गए हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करते वो फिर ना चावल काले काले पकते हैं। अब इसको हलाते जलाते हैं, इसमें अदरक लहसुन हर चीज़ें थी, सारे मसाले। हाँ जी मिले हैं, ये देखे यहाँ पे वसीम साहब ना फूल लेके आए थे काफ़ी सारे, इनको मिले थे कहीं से, इनकी इनकी आंटी ने दिए थे इनको, इतने सारे नहीं दो या तीन डालते हैं बस, ये एक और दे दो बस इतने बहुत हैं, दो तीन ठीक है ना। ये सारे मसाले डालूँगी मैं, कुटी मिर्ची सूखा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला हल्दी और नमक, बाकी सारे मसाले इसमें ही, लाल मिर्ची नहीं मैं डालती, लाल मिर्ची मुझे नहीं अच्छी लगती चावलों में, देग वाले जो पकाते हैं ना वो डालते हैं लाल मिर्चें, कुटी भी डालते हैं, और जो साबुत मिर्च होती है ना गोल छोटी वाली उसका तो एक अपना ही लेवल है, उसका बड़ा अच्छा जायका आता है। अब ये सारे मसाले थोड़े से हो जाएं, इसके साथ ही चाहे कीमा डाल दो, मैं भी डाल देती हूँ, अभी डालती हूँ। ये देखें ये कीमे के भी ऐसे वो बने हुए थे डेले, मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, ये भी इसमें डाल देते हैं साथ ही मसाले के, क्योंकि मसाला भी गल जाएगा कीमा भी गल जाएगा, और मसाला जो सारा है ना वो कीमे के अंदर मिक्स भी हो जाएगा रच भी जाएगा।
ये मोटी मशीन का कीमा मैंने मंगवाया था अम्मी से ना, धो के मैंने रखा था प्लेट में। कच्चा ही कीमा काफ़ी लोग हैं नहीं भी धोते क्योंकि कीमा फिर वो खुरदता। अब इसको भूनते हैं अच्छे तरीके से, भून के थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और रख देंगे, ठीक है। अब जब चावल डालूंगी मैं फिर आपसे दिखाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे हो गई है शाम, मैं बना दूँ चावल। ये देखिए पानी खुश्क हो गया इसका, अब बस भून के घी भी निकल आया अच्छी तरह से। देखिए ना इस तरह चावलों में ना हमेशा मसाला आप लोग खड़ा खड़ा रखा करें, बड़ा अच्छा जायका आएगा, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है ये फूलों की वजह से ना ये वाले, और साथ में ये पत्ते होते हैं ना जो, ये भी खुशबू के लिए होते हैं, इसलिए मैंने साबुत गर्म मसाले के पैकेट मंगवा के डाले थे, घर में नहीं था, ख़त्म हुआ हुआ तो बाहर से मंगवाए थे मैंने। ये फूल तो घर में ही थे काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, जब इनके अंदर अब पानी डालते हैं फिर चावल डालेंगे। ये देखें ये थे ना दो ढाई मगे थे चावलों के, एक चला गया और ये दूसरा जा रहा है क्योंकि चावल काफ़ी देर के भिगोए हुए हैं मैंने। अब ये आधा ही और चला गया, चावल काफ़ी देर के भिगोए हैं इसलिए दो घंटे हो गए चावल भिगे हुए को, तो पानी नॉर्मल ही डलेगा, ठीक है। अब उबाला आएगा जब दम निकाल लूँगी ना, चावल डालने हैं बस और दम लगाने हैं, फिर जब चावल निकाल लूँगी ना फिर आपको दिखाऊँगी, इस तरह वीडियो लंबी हो जाती है काफ़ी, ठीक है। तो अब इस पर ढक्कन देती रख दी उबाला आने के लिए, उबाला आएगा तो फिर पता चलेगा। उधर दिया जल रहे हैं, हमारे घर चलते हैं जुमेरात को, तो यहाँ पे 7 बज गए हैं, लीज़ा भी आने वाली है, उसके आने से पहले पहले पक जाएंगे, 7:15 बजे तक आ जाती है वो। अब पता नहीं वो शौक से खाएगी कि नहीं खाएगी, क्योंकि वो बड़े गोश वाली चीज़ें कम ही खाती है, पता नहीं कीमा तो कभी कभी खा लेती है, चावल खा ही लेगी। तो मैंने तो बना लिया, मेरा अपना दिल कर रहा था, मैंने काफ़ी देर बाद बनाए हैं, बहुत देर बाद बनाए हैं कीमे वाले चावल। आप लोगों को पता ही होगा रोज़ हमारे घर क्या पकता है, तो काफ़ी देर नहीं बनाए मैंने चावल कभी भी, जब से हम वीडियो बना रहे हैं ना कीमे वाले चावल नहीं बनाए मैंने। ये देखिए यहाँ पे चावल पक गए हैं बड़े अच्छे है कीमे वाले। वो मैडम गई उधर आसमा को चावल देने। तो गैस यहाँ पे हमारे चावल तैयार हो गए हैं, तो हमने खाने लग गए हैं इनको, बहुत ही मज़े के बने हैं ये देखें। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें, बाय बाय। आसमा को लगे हुए हैं पेचेस, इसके पेच कसने वाले, और ये रस खा रही है, इसने दवाई नहीं लानी। शायस्ता आंटी आई थी, चाय बना रहे हैं इधर, चाय बना के तो फिर फ्री होएंगे। ये देखें ठंडे पानी इतने पीते हैं ये लोग। तेरी शायस्ता आंटी आ रही है ना, हाँ हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, तो हैं मेरी चाय में जुशांदा डाल दें, ये कह रहे हैं मेरी चाय में जुशांदा डाल दें। लीजा आ जा इधर, हाँ तू रह गई हूँ, तेनू भी उम्र तो भेज देना। इधर वसीम साहब बैठे हैं, लीजा बैठी है, लीजा जिद कर रही है, कह रही है हाँ ये मैं लालपुर जाना है। मैंने कब कहा है? अभी क्या नहीं बाहर मुझे तुमने? मैंने कब कहा? कहा तो है? नहीं कहा। कहा है? नहीं कहा। तुमने कहा मैंने आपके बंदे को भेज दिया आसमां को। आप बस यही कहा था ना मेरे? हैं? मैं लालपुर का नाम सुन लिया। हाँ तो वो लालपुर ही गया है? नहीं अपने कमरे में गए हैं। हाँ फिर
हम भी चाय बनाते हैं, सवा नौ हो गया ना, फिर गैस चली जानी है। इधर मैंने भी चाय रखी है, आसमा की भी पक रही है। आसमा अपनी कहानी दस रही है अपनी अम्मी की, इसकी अम्मी का गुम हैजा हो गया था। मैं फिर फोन किया, टैडी वाला जिन्हें चिप कर मामा मेरा वो रिश्ता ले आया, फिर रात में सामने लै गया सारा उठा के अम्मी अस्पताल। नहीं पागल, इतनी गर्मी हो रही है इस टाइम, कौन हलवा खाता रात को 10 बजे। नहीं चलो अंदर, सुबह बना दूंगी, सूजी मंगवा देना, घी भी मंगवा देना, पाया घ्यो, पाया सूजी, पाया चीनी, ना कर जाल जा अंदर, डोल जाएंगे। हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ, चले जी हम इधर करते हैं एंड, सारा दिन हम जितनी भी हमसे बनी हो सकी, थोड़ी सी बनी है, जिस तरह भी बनी है, प्लीज जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ नए रूटीन के साथ, डेली ब्लॉग के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज। हाँ जाते जाते आसमा को दुआ देते जाएं ताकि ये रस खा के सही हो जाए, ये तो रोटी खाने लगी थी, फिर इसने कहा चलो नहीं मैं रस ही खाती हूँ, कल भिंडियाँ खाई थी ना उसकी वजह से इसका पेट ख़राब हो गया, क्योंकि भिंडी काफ़ी कई कई लोगों को रस आती है। कभी भी नहीं हुआ, ऊपर से हाँ प्रेशर हाई कर दिया उसने आज, तो मुझे पता चल गया मेरा जब आँखों में दर्द होती है, आँखें बंद नहीं हो जाती, तो मुझे पता। हाँ छोटा पेशाब भी नहीं आता फिर ज़्यादा, पेशाब नहीं आता, सुबह से मुझे नहीं आया। तो ये पानी पी रही थी खुला, इधर जाए मेरी बाल आने लगा। तो ठीक है गाइज, आज हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हमारा भी लोग इतना ही था, चाय उबलने तक का ये हम पियेंगे, तो फिर बस 10 बजने वाले हैं, फिर मैंने वीडियो भी अपलोडिंग पे लगानी है, काफ़ी देर हो जाती है ना उस पर, वीडियो भी 2-2.5 घंटे ले लेती है, फिर इसलिए रात को फिर नींद करके ही सोना होता है ना, फिर सोना भी होता है, 2 बज जाते हैं मुझे। चलो अल्लाह हाफिज़।